हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपनी सेशन, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि हम लोग अपना सेशन कंप्लीट करेंगे जो कि कमीशन से रिलेटेड है, क्योंकि सेंटर स्टेट रिलेशंस तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पोर्शन था। आज हम लोग उनके लिए बात करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर कमीशंस हैं एंड एग्जाम में NDA के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। NDA में यूजुअली इसका क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पर आता रहा है, जिसका आज भी मेरी साइड से कोशिश यही होगा कि मिनिमम समय में आपको मैक्सिमम कमीशन से एक साथ दें। कोशिश करेंगे कि आज कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन हम एक बारी में सारे कंप्लीट कर लें। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इनिशियल फेज से शुरू किया था, धीरे 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 आगे बढ़ते गए। आप सब लोगों को बता भी दिया था मैंने कि अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेज MCQ का शुरू हो गया है, वो आप जाएं मयंक पाराशर को फॉलो कर लीजिए। आज वो क्लास 12th क्वेश्चन के बाद आके सर्वर का कोई इशू आ गया था अनअकैडमी में, तो वो बंद हो गया, तो आप जाकर मयंक पाराशर के नाम से मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं, और मैथ्स के लिए चित्रा जीना मैम को वहां पर फॉलो कर सकते हैं, चित्रा मैम को वहां फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो, जैसे मैंने आज वहां MCQs कराने शुरू किए थे, मेरा टारगेट था कि 25 MCQs विद इन आर एक घंटे के अंदर, कुछ 25 क्वेश्चन हम वहां डिस्कस कर लें जो NDA में उस चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से आए हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर सर्वर का इशू रहा जिस वजह से हम लोग वहां नहीं कर पाए। तो आज की हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे जैसे हम चैप्टर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, कराते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही हम वहां पर भी चीजों को लें। कोशिश ये भी रहेगा कि कल आगे के क्वेश्चंस वहां पर पूरी तरह से डिस्कस करें ताकि आप लोगों का वो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो। तो एटलीस्ट चैप्टर 1 पॉलिटी क्लास 1 को देखकर जाइएगा, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, आपको प्रॉपर्ली मजा आएगा, और आप बिलीव करिएगा कि अगर इस तरह से चैप्टर वाइज आपने MCQs को कर लिया आफ्टर थ्योरी, तो हो नहीं सकता कि आपका पेपर क्लियर ना हो, खासकर NDA। अनअकैडमी वॉरियर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे YouTube चैनल द ट्यूटर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, आज का समय बिना खराब करते हुए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। सेशन में अगर बात करें तो वैसे तो क्लियर कट लिखा है कि आज हमें जो पढ़ना है वो वही जिसका हम एग्जाम देते हैं, दैट इज लोक संघ सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के लिए आज हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो हमारे सामने, अच्छा ये सारे के सारे कलर ही डार्क हो गए हैं, ओके चलिए मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ, पहले समझा देता हूँ फिर आगे के लिए बढ़ता हूँ। जब हम लोग इससे इसके लिए बात कर रहे हैं तो आज जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 20th है, दैट मीन्स लगभग हमने 19 क्लासेस ली हैं, जिसमें ऑलमोस्ट अगर घंटे कैलकुलेट करें तो कुछ 15 घंटे गए हैं, और 15 घंटे में ऑलमोस्ट हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट कर गए हैं इन डेप्थ। हर वो छोटी से छोटी चीज जो वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, वो वहां कराने की कोशिश की गई है, और कोशिश की गई है कि एट एनी कॉस्ट वो कहीं से भी सफर ना करे, आपका सेशन कहीं से भी सफर ना हो। आज हम लोग जब बात कर रहे हैं किसके लिए, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दिल्ली में इसका हेड ऑफिस पड़ता है धौलपुर हाउस में, तो वहां पर इंडिया गेट से एक सड़क जाती है, आपने देखा होगा सभी लोगों ने, नहीं देखा है तो गूगल कर लीजिएगा, ठीक। इनके चेयरमैन एट प्रेजेंट के लिए बात कर लें तो अरविंद सक्सेना चल रहे हैं, जो कि 2018 में आए थे और ये 8वें महीने 2020 में रिटायर्ड हो जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है हु इज द चेयरमैन ऑफ UPSC, या ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में UPSC के नए चेयरमैन कौन बन रहे हैं, ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल एज कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आगे के लिए जब हम लोग बढ़ते हैं तो जब भी किसी चीज को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने बात हमेशा किया है कि उसका आर्टिकल्स क्या है। तो याद करिए 315 से 323 तक हम यूपीएससी के आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, लेकिन 308 से 314 भी तो होते हैं, याद करो जब आर्टिकल्स बताए थे तब समझाया था, वीडियो को जाके फ्लैशबैक में देखना, बट आज क्योंकि यूपीएससी पढ़ रहे हैं तो आज केवल हमारे आर्टिकल यही होंगे। पार्ट नंबर अगर हम बात करें 14th की बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो इसके अंदर आता है वो ये कि इट्स इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल दो तरह की बॉडीज बनी है,
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो जिनका पूरा एक परफॉर्मा है, उसी तरह से ये सारे लोग काम करते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो समय के अकॉर्डिंग, डिमांड्स के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं, और उनका भी अपना एक परफॉर्मा और सेट पैटर्न होता है। तो आज जब हम लोग इसके लिए बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन आता है कि यूपीएससी के अंदर एक तो चेयरमैन है, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, मिस्टर अरविंद, और अदर मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं तो कौन करता है। अगर मैं अदर मेंबर्स के लिए बात करूं तो इंडिया में अपॉइंट किसी भी कमीशन के मेंबर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर बोल रहा हूं जो भी कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल है उसके किसी भी बंदे को अपॉइंट करना, आंख बंद करके आंसर लगाइएगा, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होंगे। राष्ट्रपति को ही ये एका अधिकार दिया गया है। आगे बात करते हैं, यूजुअली यूपीएससी में बात कर लें तो 9 से 11 मेंबर्स हो सकते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन। इसी में 1/2 ऑफ द मेंबर ऑफ यूपीएससी शुड हैव द होल्ड ऑफिस एटलीस्ट 10 years। याद करो जब हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ रहे थे तो वहां पर क्वालिफिकेशन में था या नहीं कि 5 साल या तो जज रहे हो, 10 साल वकील। हाईकोर्ट जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था 10 साल वकील रहे हो या 10 साल जज रहे हो किसी अदर कोर्ट में, हाँ या ना। तो यहां पर यही चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंस डालेगी, थोड़ी सी चीजों को समझाएगी आपके, जिसमें आपको यह पकड़ना होगा कि किस तरह से सेशन लिया जा रहा है, किस तरह से सेशन हो रहा है। तो जब हम लोग इस सेशन के लिए बात कर रहे होते हैं तो इसमें भी याद रखिएगा कि क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम उन्हें कितना दिया गया है समय, दैट इज 10 years। इसके बाद लिया गया है आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट किसी के भी अंडर में एटलीस्ट 10 साल की वर्किंग एक्सपीरियंस उनका होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि वो 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए, क्वेश्चन ये भी तो आएगा किस फील्ड में होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये कहीं पर मेंशन नहीं है कि किस फील्ड का बंदा हो, बस लिखा हुआ ये गया है कि 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो या स्टेट गवर्नमेंट। चले आगे बढ़ते हैं। तो मेंबर ऑफ द यूपीएससी इज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years। कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी हैं 99% कमीशंस का टेन्योर 6 साल या 65 साल, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आ जाए। मैं यहां लिख देता हूं जो भी पहले हो। यहां पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर पूरे कंप्लीट करेंगे एंड हाई कोर्ट में 62 ईयर्स कंप्लीट करेंगे, नहीं। यहां पर है कि या तो 6 साल पहले पूरे हो जाएं या 65 साल पहले पूरे हो जाएं। इसे हैशटैग लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन अगला आता है कि ये रेजिग्नेशन कैसे देते हैं, किसको देते हैं। तो ये अपना रेजिग्नेशन जब भी देंगे वो प्रेसिडेंट को ही देंगे, जितने भी कमीशन है सबके लिए याद रखो। अब आप कहेंगे कि सर एक में सबको क्यों पढ़ा रहे हो, मैं सबको नहीं पढ़ा रहा, मैं एक में तो बता रहा हूं सबके लिए यही है, बाकी जिसमें जो जो चेंजेस होंगे वो देखेंगे। बट अगर हमें याद रहेगा तो आगे कंपेरिजन करने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन एक और आता है कि मिनिमम इनकी एज क्या है। तो इंडिया में मिनिमम एज यहां तक आने के लिए कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो माइट बी कि वहां पर वो, क्योंकि ये इक्विवेलेंट टू जुडिशरी काम करते हैं और जुडिशरी में 35 ईयर्स है, तो यहां पर भी मिनिमम कितना हो सकता है, 35 ईयर्स। मुझे कहीं मिला नहीं वैसे लिखा हुआ, बट क्योंकि यूपीएससी इक्विवेलेंट टू काम सुप्रीम कोर्ट करती है तो वहां पर 35 ईयर बेयर मिनिमम एज है, तो यहां पर भी वो हो सकती है। आगे के लिए बात करते हैं, प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम By issuing order to the Supreme Court to make such a recommendation on the basis of an inquiry। ये बात इतना रट लीजिएगा कि एग्जाम में कभी भूले ना। क्या? कि अगर कभी भी आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो वो इंक्वायर करेगा किसको, वो करेगा सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर करेगा हमेशा यूपीएससी को। अब इन्हीं के एरो पलट के लगाने शुरू कर दो जरा, पलट के कैसे, यूपीएससी अगर इंक्वायरी करेगा तो वो किसकी करेगा, यूपीएससी इंक्वायरी करेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट की करेगा। ये दोनों की दोनों बॉडी एक दूसरे की इंक्वायरी करती हैं और सीधा रिपोर्ट, सीधी रिपोर्ट किसको देती हैं,
प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दी जाती है। वही बात यहां लिखी गई है कि रिकमेंडेशन ऑन द बेसिस एन इंक्वायरी अंडर द इंपॉर्टेंट है अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एडवाइस ट्रेंड बाय सुप्रीम कोर्ट इज द इन दिस रिगार्ड इज बाइंडिंग। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे छोड़ नहीं सकते। अगर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि यूपीएससी के मेंबर गड़बड़ कर रहे हैं उन्हें रिमूव किया जाए तो करना ही पड़ेगा। सेम वे अगर यूपीएससी की रिकमेंडेशन रिपोर्ट में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये काम ठीक से नहीं चल रहा है तो वो बात प्रेसिडेंट को इमीडिएट एक्शन में लेनी होगी। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहां का। आगे बढ़ते हैं। मेंबर ऑफ द यूपीएससी अगर हम बात करें नॉट एलिजिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट बाय द गवर्नमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, तो ये तो चीज सेम कैसी आ गई। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सेम एज सुप्रीम कोर्ट आ गया या नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी कहीं पर रीएम्प्लॉयड नहीं किया जाता। अब क्वेश्चन आता है क्या सर किसी कमेटी का इन्हें हेड बनाया जा सकता है, वो बनाया जा सकता है बट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में नहीं लिया जा सकता। आगे के लिए बढ़ते हैं। जैसे ही आगे को देखते हैं तो सेवंथ पे कमीशन आया था जिसने सबकी सैलरीज बढ़ाई थी, हमने वहां भी पढ़ा है। तो यूपीएससी के चेयरमैन जो सैलरी ड्रॉ करते हैं वो इक्विवेलेंट टू 2.5 लाख किसकी थी, 2.5 लाख CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की थी। एंड अदर मेंबर्स जो हैं वो किसके इक्वलेंट ले रहे हैं, दैट इज अदर जजेस के इक्वलेंट ले रहे हैं, यस और नो। तो इसका मतलब हर मायने में चाहे वो पावर में हो, चाहे वो आपका सैलरी में हो, चाहे अपॉइंटमेंट में हो, चाहे रिमूवल में हो, ऑलमोस्ट कंपेरेबल चलता है ये किसके, सुप्रीम कोर्ट के। आगे लिखा है The entire experience including the salary announces and the persons of a chairman and the other member of UPSC charge on the consolidated fund of India. तो consolidated fund of India का मतलब फिर से क्या लिखो, same as SC Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट की भी सैलरी कहां से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कहां से आता है पैसा, टैक्सेस के थ्रू आता है, आइदर डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी कोरोना के समय पर अगर ध्यान से आप लोग देखें हुआ क्या, एकदम से सारा कुछ बंद हो गया, सारा बंद होने से टैक्सेस बंद हो गए। तो गवर्नमेंट के लिए जब पैसा नहीं हुआ तो उसको चार्ज करने के लिए क्या तरीका था, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस को स्टार्ट किया जाए। तो गवर्नमेंट ने अपनी इनकम जनरेट करने के लिए जो भी गवर्नमेंट साइकल्स थी वो पूरी तरह से ओपन करनी शुरू कर दी ताकि धीरे 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 गवर्नमेंट के पास टैक्सेस प्रॉपर पहुंचना शुरू हो जाए। एंड फाइनली गवर्नमेंट का खजाना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया गलती से भी खाली ना हो जाए। याद रखना पहले बता चुका हूं कंटेंजेंसी अलग फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अलग है, हर स्टेट अपना अपना अलग रखती है। क्लियर। आगे के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है फंक्शनिंग क्या है। अगर हम फंक्शनिंग में बात करेंगे तो यूपीएससी थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं ताकि फंक्शन सी दिखाई दे, बाकी कुछ नहीं। ठीक, फंक्शनिंग में बात कर लेते हैं तो यूपीएससी के लिए सिंपल है कि कॉन्स्टिट्यूशनली विजुअल यूपीएससी है क्या, द वॉच डॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम ऑफ इंडिया। अब वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम का मतलब है जॉब साइकिल, जॉब साइकिल। आपके पास कोई बंदा आज चल रहा है 2020, एक बंदा 2022 में रिटायर्ड होंगे तो इनके लिए ये आज वैकेंसी निकालेंगे, उसके अंदर अपॉइंटमेंट लेंगे, उसके अंदर उनकी जॉइनिंग कराएंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे और जैसी ये बंदा रिटायर्ड होगा जो भी बंदे हैं वो उनकी जगह पर इमीडिएट उनके जूनियर को वहां प्रमोट कर देंगे और इन्हें न्यू एंट्री करा दी जाएगी, यस और नो। तो ये बेसिकली वॉच डॉग है हमारे मेरिट सिस्टम का। इट इज कनेक्टेड विद द रिक्रूटमेंट एंड द कंडक्ट एग्जाम इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द सर्विसेज ऑफ यूनियन। एग्जाम्पल के लिए एक चीज और समझ लीजिए,
आप लोग एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हैं, एनडीए का एग्जाम अगर सपोज आप लोग देते हैं, जैसे अभी तो अप्रैल वाला ही नहीं हुआ है, मैं लिख देता हूं दैट इज अप्रैल 2020 का एग्जाम था, तो इसकी ज्वाइनिंग कब होगी? ज्वाइनिंग कब होगी? दैट इज जनवरी 2021 में होगी। अब जनवरी 2021 में जब ज्वाइनिंग होगी तो इसका मतलब क्या है कि ये ज्वाइनिंग के बाद बच्चे लोग यहां ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग करेंगे कितने साल? तो यहां पर 3 साल की पुणे में ट्रेनिंग होगी, एनडीए एकेडमी में ट्रेनिंग होगी। देन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा ये कि सब अपनी अपनी एकेडमीज को चले जाएंगे, आर्मी आर्मी, नेवी कॉस्ट सब अपनी अपनी एकेडमीज में बढ़ जाएंगे। देन इन सब एकेडमीज में, जैसे मैं आर्मी को कंसीडर कर लेता हूं, आईएम में आ गए तो 1 ईयर की यहां ट्रेनिंग होगी एंड देन इन्हें पीओपी, तो टोटल 4 साल लगे। 2021 के 4 साल जोड़ेंगे तो 2025, इसका मतलब आपके लिए वैकेंसी जो निकली है वो उस हिसाब से निकली है कि 2025 में कितने इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स रिटायर्ड होंगे, ताकि जूनियर को सीनियर की तरफ प्रमोट कर दिया जाए और आपको उस पाइपलाइन में जूनियर पोस्ट से डाल दिया जाए। आपको समझ में आई थिंक अब आ गया होगा, ठीक है? वापिस आ जाते हैं जरा तुरंत ही। जैसे वापस आते हैं तो सेकंड होता है एडवाइजर है प्रेसिडेंट का, बट यहां प्रॉब्लम है कि प्रेसिडेंट नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन हिम, प्रेसिडेंट इनकी बात माने ना माने ये प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी होगी, बाउंडेड नहीं किया जा सकता। इन द मैटर रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड द ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विसेज टू द अनदर सिविल सर्विसेज, रेगुलर बेसिस पर किस बंदे को कहां भेजना है, किसको कहां से बुलाना है, किसको होम सेक्रेटरी पोस्ट तक, जैसे सपोज एग्जांपल ले लेता हूं, आज होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, इस तरह की बहुत सारी पोस्ट होती हैं, तो किस आईएएस ऑफिसर को किस बैच के वो किस फील्ड में इंपॉर्टेंस रखता है, उसको कहां भेजा जा सकता है, वो पूरी की पूरी जानकारी की सजेशन ये लोग टाइम टू टाइम देते हैं। अगला, ऑल डिसिप्लिनरी मैनर इफेक्टिंग अ पर्सन इन द सर्विस ऑफ यूनियन, गाइडलाइंस बेसिकली बोल सकते हो, जॉब लाइंस बोल सकते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस बोल सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस बोल सकते हो कि किस जॉब के लिए क्या क्या चीजें कब कब जरूरी होंगी, ये सारा का सारा डिसीजन जो है वो यूपीएससी ही करता है। आगे बढ़ते हैं तो मैटर रिगार्डिंग टू द अवार्ड ऑफ द पर्सन एंड अवार्ड्स इन रेस्पेक्ट टू इंजरी, कब? जब वो सर्विस में थे। आप चेक कर लीजिए, जब भी कभी कोई किसी सर्विस में होते हैं और सपोज उनको कोई इंजरी हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उनको कंपनसेट ग्राउंड्स पर कुछ कुछ चीजें दी जाती हैं, ताकि उनके पीछे जो उनकी फैमिली रह गई है उसको कुछ सी तरह की प्रॉब्लम ना हो। आइदर इन द फॉर्म ऑफ फंड्स हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर, तो वो डिपेंड करता है कि यूपीएससी की गाइडलाइन में क्या है। जैसे डिफेंस सर्विसेज में अगर कोई मिसहैपनिंग या इंजरी होती है, इंजरी में कंपनसेशन ग्राउंड पर आप लोगों को हैंडसम अमाउंट्स मिल जाते हैं, आपको रीएम्प्लॉयड कर दिया जाता है कहीं पर भी, लाइक जैसे एक अंकल हैं, उनको कैटेगरी मिल गया था, उनको कारगिल में एक बुलेट लगा था, आफ्टर दैट कैटेगरी के वो वापस आए, उन्हें बैंक में नौकरी मिल गया था इजीली, क्योंकि इनका अपना वहां रिजर्वेशन होता है। इसी के रेस्पेक्ट में एक हैं भाई साहब, उनकी शहीद हुए थे वो कारगिल में, तो उनको उनके बिहाफ पर जो था फैमिली को चलाने के लिए क्या दिया गया था, एक पेट्रोल पंप दे दिया गया था या लाइक गैस एजेंसी दे दी गई थी, तो वो कंपनसेशन देखना होता है कि वो रीएम्प्लॉयमेंट में मिलना है, वो कैश में मिलना है या किसी अदर फॉर्म में मिलना है, ताकि जो बंदा देश के लिए जा चुका है या इंजरी हो गई है देश की खातिर, उसके देश के लिए काम करते हुए वो इंजर्ड हो गए हैं, तो उस कंडीशन में उनकी फैमिली किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करें, इसकी पूरी गाइडलाइंस यूपीएससी बनाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेंटेन कॉन्टिन्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए में कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज मेंटेन्ड बाय ऑलवेज यूपीएससी, कितने बंदे कब रिटायर्ड होंगे,
किस डिपार्टमेंट से होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसके एग्जाम यूपीएससी कराता है, उसका एग्जाम कब लेना है, ताकि उतने बंदे उस टाइम पर वहां अवेलेबल हों। अब चेक करिए, अभी कोरोना की वजह से सारे एग्जाम्स पीछे हट गए हैं, सिविल सर्विसेज भी हट गया, एनडीए भी हट गया, एसी भी हट गया, सब 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 जो भी थे। तो इसका मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूटी ब्रेकडाउन होगी अगर एग्जाम टाइम से नहीं हुए। तो आप देखिए कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या हैं, कि सिस्टम को जल्दी से जल्दी ढर्रे पे लाया जाए एंड एग्जाम कराए जाएं। गॉट इट माय पॉइंट, जल्दी से जल्दी एग्जाम्स कराए जाएं, नहीं तो कॉन्टिन्यूटी ब्रेकडाउन होगी। दो बातें याद रखने की हैं। पहली बात, अगर ध्यान से देखें, ऑल सच केसेस नॉट एक्सेप्टेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट। एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और डिपार्टमेंट हैज नो पावर टू रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ यूपीएससी। ये अभी रिसेंटली बहुत न्यूज में था। क्यों? कुछ सिविल सर्विसेज के एग्जाम को लेकर था, हिंदी इंग्लिश के पेपर वगैरह को लेकर कुछ मसला था, तो उसमें यूपीएससी बाउंडेड नहीं है, कहीं से भी क्लियर कट लिखा है नो पावर टू रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ यूपीएससी। किसी डिपार्टमेंट के पास ये पावर नहीं है, यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको वैसे ही काम करना होगा। पैरेलल टू द यूपीएससी एट द सेंटर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो हैं, वो हमारे स्टेट में बनाए गए होते हैं, एसपीएससी बोलते हैं इनको। नॉर्मली इनको एसपीएससी नहीं बोला जाता, पीसीएस बोला जाता है, पब्लिक सर्विस पता नहीं क्या है, वैसे इसकी फुल फॉर्म जो होनी चाहिए पीएससी होनी चाहिए, पब्लिक मतलब पब्लिक स्टेट्स कमीशन इस तरह से होना चाहिए, बट इसको बोला ऐसे जाता है, बोलते ऐसे हैं जबकि करेक्ट ये है, ये गलत है। क्लियर हुई बात? और यहां पर सिर्फ एक बात का एक्सेप्शन है, दैट इज एज। तो याद करो, ये वाली एज किसके इक्विवेलेंट हो गई, अगर इस एज की बात करें तो ये सेम एज हाई कोर्ट हो गया या नहीं। तो इसका मतलब स्टेट में इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट चलता है और सेंटर में इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट चलता है। यहां आकर हम लोग अपना पहला कमीशन कंप्लीट करते हैं। अब हम लोगों को अपने सेकंड उस बड़ी बात के लिए डिस्कशन को आगे बढ़ाना है जो हमारे यहां पर इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप लोग सोच लीजिए पहले इनके बारे में, मैं थोड़ा पानी पी लूं एंड देन आगे शुरू करते हैं, ठीक है? अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो भारत के निरंतरक एंड महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम बार बार पढ़ रहे थे सीएजी, या ऑल्सो नोन एज सीए ऑफ गवर्नमेंट, बेसिकली अकाउंट्स का ऑडिट करने के लिए जो सीए की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा काम सीएजी करते हैं। सीएजी के लिए बात कर लेते हैं, आर्टिकल 148 के अंदर ये आते हैं पार्ट फिफ्थ में। आगे के लिए बढ़ते हैं, तो अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली है, तो भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेंगे, लीगल वारंट से करेंगे और अपनी सील के साथ करेंगे। तो क्या सर यूपीएससी में भी यही होगा? प्रेसिडेंट अगर किसी का भी अपॉइंटमेंट करेंगे तो ऐसे ही होगा, सील भी जरूर होगी, वारंट भी जरूर होगा। वन ऑफ द बुक वर्ड, बेसिकली ये दीवार या रक्षा करने वाले के लिए वर्ड यूज होता है, ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया, द अदर बींग सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमिश्नर एंड यूपीएससी। अब देखो, यूपीएससी हम पढ़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट हम पढ़ चुके हैं, एक हम पढ़ रहे हैं, तो अगला इंपॉर्टेंट कौन बचेगा? दैट इज ये आपका इलेक्शन कमीशन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ये चार जो हैं बेसिक वो कमीशन है, अगर ये हिंदी के वर्ड मैंने जान के लिखे थे यहां, जो आपको रेगुलर बेसिस पर ये बताने के लिए हैं कि ये दीवार की तरह काम करते हैं देश के लिए, देश के फेवर में होने वाली चीजों के लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इनको गार्जियन बोला जाता है पब्लिक पर्स का। पब्लिक पर्स से मतलब जो भी हमारे टैक्सेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आते हैं उनको गवर्नमेंट पूरा खर्च करती है। तो खर्च करने का मतलब जो पब्लिक का पैसा है वो गवर्नमेंट कैसे खर्च कर रही है, इसकी पूरी जानकारी जुटाना इनका अपना काम होता है।
His duties are to audit the account of the union and the state and to ensure nothing is spent out the consolidated fund of India or the states without sanction in the parliament और रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर। तो ध्यान से देखो, यही बात तो मैंने पहले ही लिख दिया था कि पब्लिक पर्स का मतलब क्या है, जितना टैक्स हमने दिया है वो गवर्नमेंट के पास एक फंड में इकट्ठा हुआ है, आइदर स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको खर्च कैसे कर रही है, उसके खर्च करने का तरीका क्या है उनका, वो तरीका अगर सही है तो पार्लियामेंट में या रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर में वो पास हो जाना चाहिए। अगर वो तरीका गलत है और वो पास नहीं करा पा रहे हैं तो कहां कितने का घपला हुआ है उसकी जानकारी ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। आगे बढ़ते हैं, कौन बंदा आएगा, जो लॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एंड नॉलेज रखे, किसमें, अकाउंट्स में। क्यों, क्योंकि काम किसका कर रहे हैं, सीए का, और सीए का मतलब क्या है, लेखा जोखा, लेखा जोखा, इसी तरह से लिखते हैं ना, लेख बही या इस टाइप से। तो वो ऑडिट अकाउंट्स की एक अच्छी नॉलेज वाला बंदा ही यहां पहुंचे। क्वेश्चन आता है कितने टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, 6 और 65, यही लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम ओनली द रिकमेंडेशन ऑफ 2 houses of the parliament, important, same as the Supreme Court judge. देखिए ध्यान से, अभी Supreme Court के जज को हटाने का तरीका क्या था, तो अब ध्यान से देखनी पड़ेगी Supreme Court वाली वीडियो आपको जाकर, वहां पूरा समझाया था। बच्चों के फीडबैक में उन्होंने फोन करके भी मुझे कई बार पूछा था, कमेंट में भी पूछा था कि सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं, वो इसलिए कि वहां डिटेल में पढ़ लिया तो यहां बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आगे के लिए बढ़ लेते हैं, हिज सैलरी इज इक्वल टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब 2.25 लाख, यही है ना, 2.25 लाख, इसके अलावा तो नहीं। आगे लिखा है, नो मिनिस्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड कैग इन द पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा कोई नहीं है, एंड नो मिनिस्टर कैन कोल्ड कैन एक मिनट नो मिनिस्टर कैन बी कोल्ड अपॉन टू टेक एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एक्शन डन बाय हिम, कभी नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट है पूरी तरह। अगर आप इसका परफेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं तो जाके देखिए मनमोहन सिंह का सेकेंड टेन्योर, हमारे सीएजी ने ही उस समय पर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के जितने घोटाले थे सेकंड टेन्योर में सब खोल कर रख दिए थे, चाहे उसमें पी चिदंबरम फंसे हो, फिर चाहे उसमें करुणानिधि एंड उनकी बिटिया फंसी हो, चाहे उसमें दिल्ली में शीला दीक्षित एंड ऑल, जो भी था वो सब सीएजी ने खोल कर रख दिया था कि यहां बड़ा घपला हुआ है, ध्यान से देखने की जरूरत है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ही सबमिट 3 audit reports टू द प्रेसिडेंट, ये जो वर्ड आया ना 3, कैसे, ऑडिट रिपोर्ट ऑन द एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंस एंड द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तीन तरह के डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाता है, तीन तरह की डिफरेंट अकाउंट शीट तैयार करते हैं, ये चेक करते हैं इन तीनों फीचर्स में गवर्नमेंट ने सही खर्चा किया या नहीं, किया तो प्रेसिडेंट को सबमिट कर देंगे रिपोर्ट, एवरीथिंग इज ओके, नहीं किया तो इस समय पर इतना पैसा निकला जिसका कोई हिसाब नहीं मिल रहा, लेखा जोखा नहीं मिल रहा, नहीं तो सरकार तो बेलगाम हो जाएगी। इसका मतलब अगर किसी घोड़े के मुंह से लगाम हटा दी जाए और उसके गले से रस्सी भी खोल दी जाए या पैर खोल दिए जाए तो क्या आपके हाथ आएगा, नहीं आ सकता बहुत जल्दी वो हाथ। ऐसे ही गवर्नमेंट के मुंह में नकेल और पैरों में रस्सी बांधने का काम, उनसे हिसाब मांगने का काम सीएजी का होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रेसिडेंट शैल ले इट बिफोर द पार्लियामेंट एंड ऑडिट द रिपोर्ट टू द स्टेट रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नर्स। स्टेट में जाएगी तो गवर्नर देखेगा, सीधी बात है, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर का मैटर होगा।
CAG is an agent of the parliament and conduct audit the expenditure on the behalf of the parliament. Therefore, he is responsible only for the parliament. And parliament kin logo ko milkar banti hai? That is president, Lok Sabha aur Rajya Sabha. Aur report sari sabse pehle kiske paas jati hai? President ke. That means ye kisi ke under pressure kabhi bhi kaam नहीं कर सकता. अगर कभी कोई गवर्नमेंट इनसे पंगा लेती है या इनका गवर्नमेंट के साथ क्लैश हो जाता है, इसे ऐसे ही समझना आप बैंक में पैसे लेने गए और बैंक में जो पैसे देने बैठा था उससे आपकी किसी बात को लेकर दिक्कत हो गई, तो क्या पैसे मिल पाते हैं बहुत जल्दी? झंझट हो जाती है. आप लोन लेने गए, ब्रांच मैनेजर से लड़ाई हो गई, तो क्या लोन अप्रूव्ड हो पाता है जल्दी? नहीं. वैसे ही यहां है कि गवर्नमेंट और कैग एक दूसरे के अगर साथ काम कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं तो ठीक, अदरवाइज कैग की बिना मर्जी के गवर्नमेंट बहुत जल्दी बहुत कुछ नहीं कर सकती. अनटिल अनलेस जब तक कि अपनी पावर में है, क्योंकि इनकी पावर्स या इनके रिटायरमेंट के बाद से या इनके इंपीचमेंट के बाद से ये कुछ नहीं कर सकते. क्लियर हुई बात? यूजुअली गवर्नमेंट से इसीलिए लोग पंगा नहीं लेते. आगे बढ़ते हैं. नोट करके इंपॉर्टेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विजुअलाइज कैग CAG कंट्रोलर एंड एज वेल एज ऑडिटर जनरल. हाउएवर फिर भी इन प्रैक्टिस कैग इज फुलफिल द रोल ऑफ एन ऑडिटर जनरल ओनली. ये क्वेश्चन आया हुआ है एंड नॉट दैट ऑफ द कंट्रोलर. ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिया में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है इसमें वो किसका काम करते हैं, तो वो ऑडिटर का काम करते हैं, कंट्रोलर का नहीं. इन अदर वर्ड्स कैग हैज नो कंट्रोल ओवर द इशू ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कंट्रोलर का मतलब तो ये है कि अकाउंट में से पैसे कितने निकलेंगे वो भी उनकी नॉलेज में हो. नहीं, इनके बाद तो निकलना खर्च होने के बाद हिसाब आएगा, निकालने से नहीं रोक सकते ये गवर्नमेंट को. इवन देन निकालने से तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नहीं रोक सकते गवर्नमेंट को. याद आया कुछ? मनी बिल, लोकसभा, तो गवर्नमेंट बहुत तेज है इस मामले में. मनी बाय इशूइंग चेक विदाउट स्पेसिफिक अथॉरिटी फ्रॉम द कैग हु इज कंसर्न ओनली टू द ऑडिट स्टेज वेयर द एक्सपेंडिचर ऑलरेडी बीइंग प्लेस्ड. जहां पर एक्सपेंडिचर पहले ही हो चुका हो, दैट मींस जैसे हम लोग पूरे साल पैसा कमाएं, कमाने के बाद गवर्नमेंट कहती है आप अपना इनकम टैक्स पे कर दीजिए, तो हम लोग अपने सीए के पास जाते हैं, सीए कहता है आप अपनी अकाउंट शीट्स दिखा दीजिए, अकाउंट बैलेंस दिखा दीजिए, वो सब दिखा दी जाती हैं. अब वो कहता है जो भी आपने परचेज किया, सेल किया, उनके हमें बिलिंग वगैरह दे दीजिए, वो दे दिया. एंड वो पूछता है कि आप बताइए और कोई खर्चा आपने और किया है क्या, लिक्विड में कितना है, कैश में कितना है, तो वो हमसे ही पूछ रहा है ना सारी बातें हमारी. उसी बिहाफ पर वो एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है, वो ऑडिट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टैक्स बनता है और टैक्स हम लोग सबमिट कर देते हैं. इन एनी केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कहीं कोई रेड हो जाती है, उस रेड के अकॉर्डिंग जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट थी उससे ज्यादा आपकी वैल्यू निकल जाती है, तो इनकम टैक्स इमीडिएट आप पर पेनल्टी एज वेल एज जो आपने नहीं दिया था सब वसूल लेता है. आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि वो हर एक इंडिविजुअल को देख रहे हैं, एट रेंडम चेकिंग होती है और एट रेंडम में आदमी फंस जाता है, उसी के लिए उसको सेट पैटर्न दिए गए हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे ही काम करता है. आगे के लिए बात करते हैं. तो इन दिस रेस्पेक्ट कैग ऑफ इंडिया डिफर टोटली फ्रॉम द CAG ऑफ ब्रिटेन. ब्रिटेन में क्योंकि उस पर दो अलग पावर हैं, वो इज बोथ कंट्रोलर एज वेल एज ऑडिटर जनरल. हमारे यहां केवल ये ऑडिटर जनरल हैं, कंट्रोलर का इनके पास कोई भी पावर नहीं है. याद रखिएगा, एनडीए में आ सकता है क्वेश्चन. अभी तक अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूं ताकि आप लोग देख पाए पूरा. अगर अभी तक हम लोग बात करें तो हमारे यहां 13 हुए हैं. एज प्रेजेंट जो काम कर रहे हैं वो राजीव महर्षि काम कर रहे हैं, 17 से आए हैं एंड टिल नाउ अभी तक तो काम कर ही रहे हैं. ध्यान से देख लीजिए, सभी के मैंने टेन्योर्स यहां पर मेंशन करे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो. आगे के लिए बढ़ते हैं. तो अगला आता है आपका इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, ये भी अगेन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है. कैसे रखता है देखिएगा. इलेक्शन कमीशन
आर्टिकल 324 में आता है परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है। जिस समय इंडिया में इलेक्शन होते हैं तो जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उन सबको ये अपने में एंगेज करता है और उस एंगेजमेंट के साथ वहां पर इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं। ये अपना एम्प्लॉयमेंट नहीं रखते क्योंकि रेगुलर बेसिस पर इन्हें एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है, इन्हें केवल तभी जरूरत है जब इलेक्शन की जरूरत आए किसी पर्टिकुलर एरिया में या इंटायर इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंडिया के होने वाले सारे इलेक्शन लगभग ये कराते हैं। मैं वर्ड बोल रहा हूं लगभग। इट मस्ट बी नोटेड दैट द इलेक्शन कमीशन नॉट कंडक्टेड विद द इलेक्शन पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज। आप याद करिएगा ये दोनों की दोनों चीजें 11th एंड 12th शेड्यूल में जोड़ी गई थी। याद आया 73rd अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट एक्ट से, ये वहां से, तो इनका नहीं कराते। फॉर दिस रीजन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड अ सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन। आगे बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, दो अदर कमिश्नर्स होते हैं, पहले नंबर फिक्स नहीं थे, दिनेश गोस्वामी कमेटी आई वहां से नंबर फिक्स हुए, तो आज की तारीख में 1+2 काम करते हैं। इंपॉर्टेंट ये, चीफ होने के बावजूद भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कोई एक्स्ट्रा पावर्स नहीं होती हैं। एंड दे एंजॉय इक्वल पावर्स, दे एंजॉय इक्वल पावर इन एवरी सिनेरियो। आगे के लिए बढ़ जाते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इंपॉर्टेंट इज दिस, तो याद करो ये वैसा सा ही नहीं हो गया कि सीजेआई को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट एंड उसके अलावा कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर अपॉइंट करने का मतलब है तो उसमें सीजेआई की प्रायोरिटी ली जाएगी, सीजेआई से बात पूछी जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही उसमें फाइनल अथॉरिटी होंगे। आया कुछ याद? आगे, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं, आपने पिछली वीडियोस से मुझे रेगुलर फॉलो किया हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको यह बात याद नहीं आई हो। और जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट कि आप जाइए अनअकैडमी वॉरियर पे, प्लेलिस्ट मयंक पाराशर चित्रा जीना के नाम से पड़ा है, आप उसमें चेक करिए जो उसमें क्लासेस ली गई हैं, वो क्लियर कट ये बात बताती हैं कि मैंने एक एक चीज को आपको क्लियर किया है। वहां से समझिए, कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे, मेरे अपने YouTube चैनल पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए होते हैं, वहां से मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आगे, आर्टिकल 324 आल्सो प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रीजनल कमिश्नर्स एट द टाइम ऑफ द जनरल इलेक्शन एंड कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। अब जो ये रीजनल कमिश्नर्स होते हैं ये कौन होते हैं? ये वहां के IAS हो सकते हैं, या लाइक इसे ऐसे लिख दो, वहां का DM हो सकते हैं, ADM हो सकते हैं, या उसके अलावा और कोई जो भी वहां पर पोस्ट उस समय पर हो, IPS हो सकते हैं, सिक्योरिटीज में जो लगे हुए होंगे, पूरा सिक्योरिटी देख रहे होंगे इलेक्शन का, तो वो IPS के अंडर में चला जाएगा। तो इस तरह से ये वहां के लोकल स्टाफ को बोरो कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन 6 साल के लिए या 65, विच एवर इज अर्लियर, 65 पहले हो गए तो रिटायरमेंट, 6 पहले पूरे हो गए तो रिटायरमेंट। आगे के लिए बात करते हैं। They are not eligible for reappointment, same as Supreme Court. Also, they cannot hold any office of profit after the retirement. तो याद करो, same Supreme Court में ऐसा था, same UPSC में ऐसा था, same CAG में ऐसा था, same Election Commission में ऐसा था, तो ये तो बहुत सारी चीजें similarity में आ रही हैं। आर्टिकल 324 जो है वो क्लियर कहता है नो अपर लिमिट नंबर ऑफ इलेक्शंस कमीशंस, बट इन 1990 दिनेश गोस्वामी कमेटी आई जिसने रिकमेंड किया था कि इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर्स बॉडी कर दो एंड कॉन्स्टिट्यूशन चीफ जस्टिस एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन ओट टू बी कंसल्टेड। आर्टिकल 324 वॉज अमेंडेड। तो यहां पर बहुत क्लियर कट है कि चीफ जस्टिस से कंसल्ट कर लो, प्रेसिडेंट ऑलरेडी हैं जो अपॉइंट करेंगे, लीडर ऑफ
ऑपोजिशन को देख लो और देन फाइनली कोई भी हमारे यहां पर इलेक्शन कमिश्नर बनाए। इंपॉर्टेंट यह आता है ये करते क्या है, 6 साल का इनका टर्म है, कट शॉर्ट किया जा सकता है, रेजिग्नेशन दे सकते हैं, रिमूव कराया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगेन सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही रिमूवल है, कोई भी नई चीज नहीं आ रही है सामने, सब घूम फिर के वही चीजें आ रही हैं वन बाय वन। इलेक्शन कमीशन के लिए बात करते हैं, 3 तरह की पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडवाइजरी है, क्वासी जुडिशियल है। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब जिस समय पर इलेक्शन होगा पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ये खुद देखते हैं, उस समय पर वहां की स्टेट गवर्नमेंट का कोई फीचर काम नहीं कर रहा होता। सेकेंड आ जाता है एडवाइजरी, प्रेसिडेंट जब जब एडवाइस मांगेंगे इन्हें देनी होगी, इसके लिए इनके पास कोई ऑप्शन और नहीं है। यहां तक क्वासी, क्वासी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, हो भी सकता है और नहीं भी। जुडिशियल जिस समय पर इलेक्शन अपना काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन पोलिंग करा रहा है, वो क्वासी जुडिशियल में इम्पार्टली काम करता है, उस पर सीधा केस नहीं किया जा सकता। बट आफ्टर इलेक्शन अगर कोई गड़बड़ी मिलती है और वो प्रूव होती है कि हाँ ये गड़बड़ी थी, तब उनके ऊपर केसेस फाइल किए जा सकते हैं। तो ये केस भी कहां से आएगा, ये तभी तो आएगा जब पार्लियामेंट या कहीं पर ये बात आए कि ये देखिए ये काम गलत हुआ, यस और नो। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फंक्शनिंग में बात करें, प्रिपेयर करेंगे इलेक्ट्रॉल लिस्ट, कीप वॉटर लिस्ट अपडेटेड, एनरोल नॉर्मली रिवाइज एवरी ईयर एट द नेम ऑफ दोज हु टर्न 18 साल 1 जनवरी को। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, 18 साल कब काउंट करते हैं, 1 जनवरी से। इसीलिए जिन लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी या 1 जुलाई होती है, उनके पास एनडीए का एक एक अटेम्प्ट कम होता है उन लोगों से जिनकी 2 जनवरी या 2 जुलाई होती है, क्योंकि 1 जनवरी पे वो ट्रांजिट मानते हैं कि 1 जनवरी निकल गया, अब अगले में कन्वर्ट हो गया। 1 जनवरी निकलते 18 साल क्रॉस हो जाएगा तो वो नहीं लेते हैं। क्लियर हुई बात। आगे लिखा हुआ है इसी में, of the year and have moved into the constituency and to remove the name of those who has died and move out the constituency. Suppose आप एक कहीं पर XYZ घर में रह रहे थे, XYZ आपका कोई एड्रेस था, जो कि मैंने कहा चलो मैं मेरठ से हूं तो ये मेरठ का एड्रेस था, आपने मूव करा ABC किसी एड्रेस पे चले गए और ये एड्रेस गोवा में कहीं का था, तो आपका नाम मेरठ की लिस्ट में अपडेट जब होगा तो यहां से हट जाएगा, जबकि जब यहां अपडेट होगा तो आपके यहां पर जुड़ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आगे के लिए बढ़ते हैं। फंक्शनिंग में ही प्रिपरेशन करता है कोड ऑफ कंडक्ट टू द ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है रूल्स। किस तरह के रूल्स, कि आप इतना खर्चा नहीं करेंगे, इतना कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, इस तरह से आप दीवारें नहीं पुतवाएंगे, किसी की लीफलेट लगवा सकते हैं, आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो इतनी गाड़ियां चला सकते हैं, लाउड स्पीकर नहीं बजवा सकते हैं, अलग अलग तरह की रूल्स। इसके बाद रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द वेरियस पॉलिटिकल पार्टी एंड अलॉट द इलेक्शन सिंबल, इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज जब हमारे इंडिया में, मैं अभी आपको इसके बाद ही पढ़ाऊंगा, जैसी कमीशन खत्म करूंगा तुरंत पॉलिटिकल पार्टी पर आएंगे, वो नेशनल लेवल पर हो सकती है, वो स्टेट लेवल पर हो सकती है, 2 तरह की हैं और दोनों को बनने के 2 तरीके ऑल्टरनेट दिए गए हैं, आइदर स्टेट पार्टी बन सकते हो या सेंटर पार्टी। आगे लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन ऑफिसेज टू लुक इनटू द डिस्प्यूट ऑफ कनेक्टिंग इलेक्शंस अरेंजमेंट्स। कोई भी डिस्प्यूट है इलेक्शंस को लेकर सीधा यहां पर आ जाओ, एग्जामिन द रिटर्न ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंस, इंपॉर्टेंट है। जितना उन्होंने भरा, सपोज कैंडिडेट ने कहा मैं 20 लाख रुपए खर्च करूंगा और उसने कर दिए 20 करोड़, तो ये पता कैसे चलेगा, इलेक्शन कमीशन ध्यान रखता है। तो ये होता तो हमेशा ही है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी लिखा था कि मैं 12 लाख से ऊपर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्च नहीं करूंगा कैंपेन पे, लेकिन मोदी जी ने इतनी सारी यात्राएं करी तो वो कहां से हुई, राहुल गांधी जी ने करी कहां से हुई, अखिलेश जी ने करी कहां से हुई,
शरद पवार जी ने करी कहां से हुई, नीतीश कुमार जी ने करी कहां से हुई, तो क्वेश्चन ये कहते हैं वो पार्टी फंड से हुई, वो मेरे से नहीं हुई, वो पार्टी फंड का पैसा था, मैंने खर्च नहीं करा, वो मेरे सपोर्टर्स ने खर्च करा, मैंने नहीं करा। अब मैं अपने आप को रो सकता हूं, अपनी गारंटी ले सकता हूं, लेकिन अपने सपोर्टर्स की गारंटी थोड़ी ना ले सकता हूं। समझ गए कहानी, कान ऐसे नहीं पकड़ा, ऐसे पकड़ लिया। आगे के लिए बात करते हैं, जब इसमें हम लोग चलते हैं तो हमें ये थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूं। यस, जब हम लोग इसमें चलते हैं तो हमारे यहां पर टोटल मैंने शुरू से लेके अब तक के कौन कौन इलेक्शन कमीशन हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से तसल्ली से इसको देख लेना, कब से कब तक किस किस इलेक्शन कमीशन ने काम किया है, मैंने पूरी लिस्ट यहां लगाई है। एट प्रेजेंट हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोरा, ये याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा। इसके अलावा अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को भी एक बार देख जरूर लीजिएगा। अगली बात शुरू करते हैं, तो इस समय पर हमारे सामने अगला कमीशन जो आता है वो आते हैं फाइनेंस कमीशन। जरा सोचो अपने दिमाग में फाइनेंस कमीशन के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं, फाइनेंस कमीशन के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं, जरा सोचो इस बारे में थोड़ा 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 थोड़ा। चलिए शुरू करें, तो फाइनेंस कमीशन के लिए बात करते हैं, आर्टिकल 280 That means पार्ट नंबर 12 में यह आ रहा है। इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनको प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस कमीशन को क्वासी जुडिशियल बॉडी। ये याद रखना, हर एक बॉडी क्वासी जुडिशियल नहीं है, जहां जहां वर्ड लिखा जा रहा है नॉट जस्टिएबल, क्वासी जुडिशियल, ऐसा क्वेश्चन एनडीए का फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये याद रखना। बहुत बार आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे या तो क्वासी जुडिशियल से रिलेटेड बात पूछ ली होगी, या नॉट बेसिकली क्या था, हाँ प्रियम्बल के लिए, जैसे जस्टिएबल नहीं है प्रियम्बल, इस तरह की बातें यूपीएससी बिटवीन द लाइन उठा लेता है। आगे फाइनेंस कमीशन के लिए बात करें तो कंसल्टेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर्स अर्लियर, जो भी वो बेसिकली टाइम चल रहा है, जैसे आज हम हैं तो 2020 से 2025 वाली जो अभी रिकमेंडेशन 15th फाइनेंस कमीशन की आई थी वो हमारे ऊपर लगनी शुरू हो गई है, वो पहले 5 साल, अब अगले 5 साल के लिए अपॉइंट कर दिया जाएगा, जो ये देखेगा 25 से 30 के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करके रिकमेंडेशन देंगे कि इतना इतना टैक्सेस ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे एंड देन आगे बढ़ेगा। तो वो पूरा काम 5 साल पहले से चल रहा होता है, कंसिस्ट एक चेयरमैन, 4 अदर मेंबर होते हैं, एलिजिबल टू रीअपॉइंट होते हैं, इंपॉर्टेंट है, एलिजिबल टू रीअपॉइंट होते हैं। चेयरमैन इज सेलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन हु हैज द एक्सपीरियंस इन द पब्लिक अफेयर व्हाइल इन द मेंबर सेलेक्टिंग इन द पर्सन हु, कौन कौन क्वालिफाइड, अ जज ऑफ हाई कोर्ट, इक्वलेंट टू हाई कोर्ट चला गया, स्पेशल नॉलेज इन द फाइनेंस एंड अकाउंट्स, वाइड एक्सपीरियंस फाइनेंशियल मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव्स, हैव द स्पेशल नॉलेज इन इकोनॉमिक्स, ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं, ये याद रखने की बातें हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मर्जी आप वैसे लिख लो, आप स्टार लगा लो, हैशटैग लगा लो, इंपॉर्टेंट लिख लो, जो मर्जी वो लिख लो। 15वां कमीशन अभी चल रहा है, 20 से 25 तक के लिए वर्किंग चल रही है। अब बात आती है इसी में कि फाइनेंस कमीशन के काम क्या क्या हैं, फंक्शनिंग क्या क्या है, टू रिकमेंड प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस व्हिच एडवाइजेबल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, दैट मींस यूनियन एंड स्टेट के बीच में कितना टैक्स का बंटवारा होगा, बंटवारा होगा, ये पूरी की पूरी जानकारी कौन बताते हैं, फाइनेंस कमीशन देता है। आगे टू रिकमेंड द प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न द ग्रांट ऑफ द रिवेन्यू टू द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आप किसको कितना ग्रांट कहां कैसे जरूरत है रिवेन्यू में, कैसे कैसे उस स्टेट को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेशन भी नहीं रादर ये बोलते हैं सपोर्ट कर सकते हैं, आप उसको कैसे एक्स्ट्रा चीजों में पुशअप कर सकते हैं, वो पूरी बात यहां आती है। रिकमेंडेशन मेड बाय आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर, हेंस नो बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट,
नो बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट, हैशटैग लगा दो फिर से, इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा है द टेंडर एडवाइज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन एनी अदर मैटर रेफर्स टू द कमीशन इंटरेस्ट साउंड फाइनेंसेस। जैसे जैसे जरूरत होती है प्रेसिडेंट को वो वैसे एडवाइस ले सकते हैं, बट प्रेसिडेंट की ली गई एडवाइस, ये 90% केसेस में याद रखना, प्रेसिडेंट बाउंडेड नहीं है कि वो माने, बट यूपीएससी वाले केस में इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट वाले केस में इंपॉर्टेंट है। अगर यूपीएससी रिकमेंड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स को रिमूव करने का तो इंपॉर्टेंट है, और सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड कर रहा है यूपीएससी के मेंबर्स को हटाने के लिए तो इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे यहां पर अगर बात करें तो कौन कौन सा कब कब फाइनेंस कमीशन आया, 8 कमीशन मैंने यहां पर दिए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा तसल्ली से। इसके बाद हम लोग आगे के लिए बढ़ते हैं, तो 15वां हमारा चल रहा है, एनके सिंह एट प्रेजेंट हेड कर रहे हैं, 2025 तक के लिए इसने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। पिछला वाईवी रेड्डी साहब का था, 2013 में आया था, एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई रहे थे, इसका मतलब ये री एम्प्लॉयड हो सकते हैं यहां पर, क्लियर। आगे के लिए बात करते हैं तो अगला आता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का मतलब हो गया वकील, सरकारी वकील, सरकार का वकील रादर ऐसे कह सकते हैं। इसमें यहीं पर लिखा है आर्टिकल 76 के अंदर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, इनसे ऊपर कोई लॉ में ऑफिसर नहीं है गवर्नमेंट का। ये नहीं कि जज हैं, जज नहीं, जज तो फैसला सुनाएंगे, सबूत कौन पेश करेगा, बहस कौन करेगा, प्रेजेंटेशन कौन करेगा, तो वो पूरा काम अटॉर्नी जनरल का है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, पर्सन शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट जज के इक्विवेलेंट होना चाहिए, बट जो सरकार आएगी वो अपने हिसाब से इन्हें अपॉइंट करेगी, जरूरी नहीं कि आज जो मोदी जी ने अपॉइंट किए हुए कल आने वाली कोई अगली सरकार या मोदी जी खुद उन्हें रिपीट करें। हो सकता है पिछली सरकार ने कोई दूसरा अपने लिए अटॉर्नी जनरल रखे, बट सरकार गिर गई और नई सरकार ने आके भी उसे कंटिन्यू किया, ऐसा भी मिलता है, बट ये अल्टीमेट पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि वो अपनी मर्जी के बंदे को अपना अटॉर्नी जनरल बना सकते हैं। लिखा है टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल नॉट फिक्स्ड, इसीलिए नॉट फिक्स्ड है क्योंकि अपनी मर्जी से बना सकते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोसीजर एंड ग्राउंड ऑन हिज रिमूवल, क्योंकि गवर्नमेंट की मर्जी है, जब चाहे रख ले, जब चाहे हटा दे जिस बंदे को, बशर्ते वो क्वालिफाई हो। आगे ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एनी टाइम और मे बी सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट एनी टाइम। ये कभी भी प्रेसिडेंट इन्हें सिंपल हटा सकते हैं, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करना लोकसभा या राज्यसभा में, बस कहा इन्हें हटाओ दूसरे को ला रहे हैं, कोई इशू नहीं आएगा। आगे के लिए बात करते हैं तो अटॉर्नी जनरल गेट अ रिटेनर, रिटेनर का मतलब है मेहनताना, दैट मींस नॉट सैलरी, नॉट पे, नॉट पे, इन्हें मंथली पे नहीं मिलती है, रिटेनर मिलता है, जितने केसेस लड़ेंगे उस हिसाब से इन्हें उतना ही पैसा मिलेगा, नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आगे लिखा है इंटाइटल द Hence in the old court and can take part the proceeding of the parliament and its committee. इंडिया की हर एक कोर्ट में जाकर ये बहस कर सकते हैं, पक्ष रख सकते हैं, एज वेल एज किसी भी कमेटी में जाकर बैठ सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि वहां लीगली क्या बातें हो रही हैं, देश के लिए फेवर में या नहीं। हाउएवर फिर भी इनको राइट टू वोट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटेन में यहां पर इस पोस्ट को राइट टू वोट होता है संसद में, हमारे यहां पर नहीं है। He is also allowed to take up a private practice other parties of the state because this is not paid salary but a retainer determined by the president. अगर हमारे यहां पर सेंटर स्टेट का केस है तो ये लड़ेंगे, दो केसेस हैं स्टेट स्टेट के उनमें ये लड़ सकते हैं, बट अगर मैंने कहा टाटा और रिलायंस का केस हो गया तो क्योंकि उसमें कोई सी भी पार्टी ना सेंट्रल गवर्नमेंट है ना स्टेट गवर्नमेंट है तो उसमें ये जिसका चाहे उसका केस लड़ सकते हैं, आइदर टाटा या रिलायंस, वो इनकी मर्जी पर होगा। गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि आप ये केस नहीं लड़ सकते, लड़ सकते हैं, कोई इन्हें नहीं रोक सकता वहां पर। आगे के लिए बढ़ते हैं, इंग्लैंड में जैसे मैंने कहा था अटॉर्नी जनरल मेंबर ऑफ कैबिनेट होता है, इन इंडिया में ये नहीं है, इनका पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है इंग्लैंड में। व्हेनेवर
सॉरी इंडिया में इनका पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है, देयरफॉर व्हेनेवर द चेंज इन द पॉलिटिकल पार्टी अटॉर्नी जनरल रिजाइन टू हिज पोस्ट एंड न्यू गवर्नमेंट अपॉइंटेड नॉमिनी ऑफ हिज चॉइस, अपनी मर्जी का बंदा ही अगला अपॉइंट कर दिया जाता है। अटॉर्नी जनरल असाइन टू सॉलिसिटर एंड फोर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये भी इंपॉर्टेंट है। He should note it that Article 76 does not mention about the Solicitor General and Additional Solicitor General. ये क्वेश्चन में कई बार आया हुआ है कि Article 76 में लिखा है, तो नहीं, वहां केवल और केवल जो बात लिखी है वो Attorney General के बारे में लिखी है, ना कि Solicitor Generals के। अगर at present देखें, मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूं ताकि आप लोगों तक ये पूरा आ जाए। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे सामने एट प्रेजेंट ये सारे के सारे हमारे हैं, जिसमें वेणुगोपाल एट प्रेजेंट हमारे अटॉर्नी जनरल चल रहे हैं। तो जहां तक मुझे लगता है अभी ये आगे भी है, अगला हम लोग करेंगे नेशनल कमीशन फॉर एससी, अगली क्लास में करेंगे, आज की क्लास इतने पे ही रोक रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है कि अभी तक किए गए कमीशन्स पर जितना डिस्कशन हुआ है उससे बाहर एनडीए का क्वेश्चन यूजुअली नहीं जाता है। आप लोग अगर इतना याद कर लेते हैं और देख लेते हैं तो एनडीए में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रेस्ट आप लोग अनअकैडमी पर आइए साथ मेरे, वहां पर रेगुलर बेसिस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आगे प्रॉब्लम कोई ना आए, ना बढ़े। एंड जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, जितना भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा अनअकैडमी वॉरियर्स को शेयर करिए, वॉरियर्स पर इसको शेयर करिए एंड अनअकैडमी वॉरियर्स को भी सब्सक्राइब करिए। सेम वे हमारा अपना चैनल द ट्यूटर्स अकेडमी है, आप उसको भी ज्वाइन करें, पढ़ें, देखें कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, देन उसे भी सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। आज के लिए मेरी साइड से इतना ही था। जय हिंद, राधे राधे।